क्या 2024 से पहले राहुल को मिल पाएगी सदस्यता? राहुल गांधी की संसद सदस्यता पर बड़ा सवाल। राहुल गांधी की सदस्यता पर कांग्रेस ने तोड़ी चुप्पी। राहुल की संसद सदस्यता पर मचा बवाल। क्या 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी को संसद की सदस्यता मिल जाएगी? क्या 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के लिए ऐतिहासिक जीत ये हो पाएगी? नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज और आप तमाम लोगों का हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की संसद सदस्यता गए काफी वक्त हो चुका है, लेकिन सवाल अब भी जस का तस बना हुआ है कि क्या 2024 से पहले राहुल गांधी को संसद सदस्यता मिल पाएगी। दरअसल राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर जो बयान एक रैली में दिया था, वो बयान उन पर इतना भारी पड़ गया कि उसकी वजह से उनकी संसद सदस्यता चली गई। हालांकि कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का ये सीधे तौर पर कहना है कि अगर संसद सदस्यता चली गई तो इसका मतलब ये तो नहीं कि राहुल गांधी जनता की आवाज को उठाना बंद कर देंगे, जनता की आवाज को रखना बंद कर देंगे। राहुल गांधी ने कहा कि वो संसद सदस्यता के मोहताज नहीं है, वो सवाल पहले भी पूछते थे और आज भी पूछते रहेंगे। तो क्या माना जाए कि जिस तरीके से राहुल गांधी को गुजरात हाई कोर्ट से लगातार एक के बाद एक झटका लगा, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का रुख भी राहुल गांधी ने किया था, लेकिन वहां से भी कोई राहत उन्हें मिलती नजर नहीं आ रही है। मामला 4 तारीख के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। राहुल गांधी का यह कहना है कि उन्हें कोर्ट पर पूरा भरोसा है, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट से न्याय उन्हें मिल पाएगा? चलिए एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि क्या है वो पूरा मामला जिस वजह से राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई। दरअसल 2019 में मोदी उपनाम को लेकर की गई टिप्पणी के मामले में 23 मार्च को सूरत की CGM कोर्ट ने राहुल को 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि कोर्ट ने फैसले पर अमल के लिए 30 दिन की मोहलत भी दी थी। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार की एक रैली में राहुल गांधी ने कहा था, कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है। इसी को लेकर भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पुणेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। राहुल के खिलाफ IPC की धारा 499 और 500 के तहत मामला दर्ज किया गया था। 23 मार्च को निचली अदालत ने राहुल को दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके अगले ही दिन राहुल की लोकसभा सदस्यता चली गई थी। राहुल को अपना सरकारी घर भी खाली करना पड़ा था। निचली अदालत के इस फैसले के खिलाफ 2 अप्रैल को राहुल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जस्टिस प्रक्षक ने मई में राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया और राहुल की याचिका खारिज कर दी। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया और सीधे सीधे तौर पर जो हालात इस वक्त के बन रहे हैं वो जाहिर तौर पर ये बता रहे हैं कि शायद मौजूदा वक्त ये साफ तौर पर इशारा कर रहा है कि राहुल गांधी को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी का सीधे सीधे तौर पर मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहना है कि कांग्रेस जानबूझकर राहुल गांधी के खिलाफ इस तरीके का काम कर रही। कांग्रेस पार्टी का ये सीधे तौर पर कहना है कि मोदी सरकार जानबूझकर राहुल गांधी की संसद सदस्यता को लेकर इतना बड़ा बवाल खड़ा किया है। जबकि अपने दर्शकों को बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं और मंत्रियों का यह कहना है कि राहुल गांधी का मैं जिक्र कर लेता हूं, राहुल गांधी का जिक्र कर रहे हैं कि अगर वो माफी मांग लेते तो राहुल गांधी की संसद सदस्यता नहीं जाती। ये मैं अपने दर्शकों को सुनवाऊंगा। देखिए कैसे बोल रहे हैं गिरिराज सिंह कि अगर राहुल माफी मांग लिए होते तो उनकी संसद सदस्यता नहीं जाती। देखिए, अगर कोर्ट का अपमान न किए होते और कोर्ट में माफी मांग लिए होते आज इनकी ये दुर्दशा नहीं होती। सावरकर बनने में उनको कई जन्म लगेंगे। रिपोर्ट आपने देखी तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि क्या राहुल गांधी को झुकाने के लिए काम किया जा रहा है, क्या राहुल गांधी
को यहाँ पर डराया जा रहा है, क्या राहुल गांधी की ओर इसलिए धमकाया जा रहा है कि वो माफी मांग ले? लेकिन राहुल गांधी का कहना है कि वो झुकने वाले नहीं है, वो सरकार से माफी नहीं मांगेंगे क्योंकि सवाल उन्होंने गलत नहीं पूछे। तो क्या मोदी राज में सरकार से सवाल पूछना गलत है? क्या मोदी राज में अगर हम सरकार से सवाल पूछते हैं तो क्या ये जाहिर तौर पर नजर आता है कि सरकार सवाल का जवाब नहीं देगी बल्कि संसद सदस्यता छीन लेगी? चलिए एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि राहुल गांधी से जब पूछा गया कि संसद सदस्यता आपकी गई है, इस पर आपकी क्या राय है, तो वो क्या कुछ कह रहा है। चाहे मुझे सदस्यता मिले ना मिले, मैं अपना काम करूंगा। अगर ये मुझे परमानेंटली डिस्क्वालिफाई कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा। अगर मुझे रीइंस्टेट कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं पार्लियामेंट के अंदर हूं या बाहर हूं, कहां हूं। मैंने आपसे कहा मुझे अपनी तपस्या करनी है, मैं उसको करके दिखाऊंगा। सवाल मैंने एक ही पूछा था, फाउंडेशन पे जाता हूं, अदानी जी की शेल कंपनीज हैं, उसमें 20,000 करोड़ रुपया किसी ने इन्वेस्ट किया, अदानी जी का पैसा नहीं है, अदानी जी का इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस है, पैसा किसी और का है। सवाल यह है ये जो 20,000 करोड़ रुपए हैं ये किसके हैं? ये सवाल मैंने पूछा। मैंने पार्लियामेंट हाउस में प्रूफ देके, जो मीडिया रिपोर्ट से मैंने निकाला, अदानी जी और नरेंद्र मोदी जी के रिश्ते के बारे में डिटेल में बोला। रिश्ता नया नहीं है, रिश्ता पुराना है। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के सीएम बने थे तब से रिश्ता है और उसके बहुत सारे पब्लिक प्रूफ्स हैं। हवाई जहाज में मैंने फोटो दिखाई, नरेंद्र मोदी जी बड़े कंफर्ट में बैठे हुए थे अपने दोस्त अपने मित्र के साथ, पार्लियामेंट में मैंने दिखाई। यह सवाल मैंने पूछा। फिर मेरी स्पीच को एक्सपंज किया गया, मैंने स्पीकर को डिटेल चिट्ठी लिखी पॉइंट बाय पॉइंट कि मैंने कहा कि एयरपोर्ट्स अदानी जी को रूल बदल के दिए गए हैं, ये लीजिए रूल की कॉपी जिसको बदला गया है। चिट्ठी लिखी, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर मेरे बारे में मंत्रियों ने पार्लियामेंट में झूठ बोला, बोला कि मैंने विदेशी ताकतों से मदद मांगी। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है। मैंने कहा स्पीकर से, मैंने जाके कहा स्पीकर सर, पार्लियामेंट का नियम है कि अगर किसी मेंबर पर कोई एक्यूजेशन लगाता है तो उस मेंबर को जवाब देने का हक होता है। मैंने एक चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया। दूसरी चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया। फिर मैं स्पीकर के चैंबर में गया, मैंने स्पीकर सर से कहा, स्पीकर सर ये कानून है, ये रूल है, इन्होंने झूठा आरोप लगाया है, मुझे आप बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं? स्पीकर सर मुस्कुराते हैं, कहते मैं नहीं कर सकता। और फिर उसके बाद आपने सबने देखा क्या हुआ। सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। नरेंद्र मोदी जी का अदानी के साथ क्या रिश्ता है और 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, मैं पूछता जाऊंगा। मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से। और अगर ये सोचें कि मुझे डिस्क्वालिफाई करके धमका के जेल में डाल के मुझे बंद कर सकते, नहीं, मेरी वो हिस्ट्री नहीं है। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा। आप इतनी डायरेक्टली बीजेपी के लिए क्यों काम कर रहे हो? थोड़ी डिस्क्रेशन से करो यार, थोड़ा घूम घाम के पूछो। क्या आपको ऑर्डर दिया है क्या? देखो मुस्कुरा रहे हैं,
घूम घाम मैं आपको उदाहरण देता हूं, आप थोड़ा घूम घाम के निकाल नुकुल के बोलो, देखो ऐसे बोलो पहले राहुल जी, हाँ तो प्लीज प्लीज इफ यू वॉन्ट टू वर्क फॉर द बीजेपी देन ब्रिंग अ बीजेपी फ्लैग सिंबल हियर एंड पुट इट ऑन योर चेस्ट, देन आई विल आंसर यू द सेम वे आई आंसर देम, डोंट प्रिटेंड टू बी अ प्रेसमैन। रिपोर्ट आपने देखी, अब ये आप, मैं चाहूंगा मेरे दर्शक जो है इस प्रोग्राम में कमेंट करके ये बताएं कि राहुल गांधी की जो संसद सदस्यता गई, क्या इस वजह से कि उन्होंने सवाल पूछे, और क्या राहुल गांधी को झुकाने की पूरी तैयारी यहां पर की जा रही है, और राहुल गांधी को झुकाने की अगर तैयारी की जा रही है तो क्या ये भी माना जाए कि अगर राहुल गांधी माफी नहीं मांगते तो उनकी संसद सदस्यता वापस तो दूर, 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। आज के लिए तो ही आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।